नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध, पितृपक्ष, बराबर। ये बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है। हम जब शक्तियों को जगाते हैं, जैसे कि अब इसके बाद आएगी नवरात्रि, हम शक्तियों को जगाते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ में मनी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, दुख जाए, ठीक है। लेकिन हम कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं कि ये सब कुछ हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है। आप देखना दोस्तों, जिन लोगों की लाइफ में दुख है, उसका सबसे बड़ा कारण उनके पितृ दुखी हैं। जिन व्यक्तियों के घरों में पितृ अनसेटिस्फाइड हैं, जिनके घर में पितृ रो रहे हैं, जिनके पितरों का पिंडदान ढंग से नहीं हुआ है, वे तमाम परिवार दुखी दुखी हैं। यदि आपके घर में बिना वजह की कलह हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप सब तरफ से फेंक रहे हैं, कहीं आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कमाते तो हैं लेकिन पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं, समाज में, घर में, लोगों के बीच में आपका सम्मान नहीवत है या खत्म हो रहा है, आपका प्लेस हर जगह से खत्म हो रहा है, आप समझ जाइए कहीं न कहीं अतृप्त आत्माएं आपके पीछे हैं। दोस्तों, अतृप्त आत्माएं और तृप्त आत्माएं, जब अतृप्त आत्माएं आपको बद्दुआएं देती हैं, तो ये बद्दुआएं एक डार्क परछाई के रूप में आपके साथ हर जगह चलती है, जहां भी कमजोर समय आया आपको गिरा देगी। और जिन लोगों के पास आशीर्वाद है, उनके कुल देवी की शक्ति है, उनके इष्ट देवता की शक्ति है, जब जब खराब समय आता है, तब तब ये शक्तियां एक वाइट चमकीले कलर में आपके साथ चल रही होती हैं, और जब जब खराब समय आता है, ये शक्तियां आपको बचा ले जाती हैं। समझ रहे होंगे आप, श्राप आपके जीवन को गिरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और आशीर्वाद आपके जीवन को उठा लेते हैं ऊपर। हमेशा कर्म अच्छे करें, यह ना सोचे कौन कौन हमें अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें। और आपके पितरों के लिए जो कर्म आपको करने चाहिए, वो आपका धर्म है। यदि आप अपने धर्म में पीछे हट रहे हैं, तो आपको भोगना है और भोगना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हैं वो लोग भी, जो लोग परेशान ना हो वे लोग भी, ये जो पितृपक्ष आ रहे हैं पूनम से, 20 सितंबर पूनम से शुरू हो रहे हैं, जो अमावस्या तक रहने वाले हैं, आप तमाम लोग और कुछ कर पाए ना कर पाए, एक छोटा सा काम करें, अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। सुबह उठ करके आप चाय पी करके भी इस क्रिया को कर सकते हैं, और यदि चाय पानी किए बिना आप इस क्रिया को करेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहा धोकर के आप स्वच्छ हो जाएं, दरवाजे पर दोनों तरफ, चौखट पर बाहर की तरफ घी का दीपक लगा दें, थोड़े से चावल अर्पित करें उन्हें, उस पर अर्पित करें, और एक लोटा जल लेकर के ओम नमो पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र को बोलें, और जल आप उन्हें अर्पित करें। जब आप जल अर्पित करते हैं, अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें, जल में थोड़े से काले तिल मिला दें, ठीक है। पितरों को याद करते हुए आप एक लोटा जल उन्हें अर्पित करें, और आप कंटिन्यू जल देते समय विष्णु 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 बोलते रहें। इतना करने मात्र से आपके जो पितृ हैं वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में आपके पितृ आपके घर में आते ही आते हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाना आपके घर में सुबह के समय बनता है, दोपहर के समय, पूरा खाना
आप एक प्लेट में निकालें और गाय को खिलाएं। एवरीडे आपको इस क्रिया को करना है और जिस तिथि में आपके पितृ देवलोक गए थे उस तिथि में आपको उनका श्राद्ध निकालना है। ब्राह्मण को बुलाएं, भोजन करवाएं, ब्राह्मणों के हाथ से या खुद अपनी छत पर जाकर के पूरा खाना पितरों को अर्पित करें और जो भी आप खाना बनाते हैं सारे खाने को आप मिक्स करके आहुति दें ताकि वो खाना अग्नि में जल करके धुएं के रूप में इस ब्रह्मांड में जब वो फैलता है तो आपके पितृ श्वास के द्वारा इन हवाओं के द्वारा उसे आसानी से अपने अंदर खींचते हैं और उत्तृप्त होते हैं। तो जो भी तिथि हो उस तिथि को आप ये छोटी सी क्रिया अवश्य ही करें। जिनके घर में छोटे छोटे बालक उनकी मृत्यु हुई हो वे लोग उस तिथि को छोटे छोटे बच्चों को गोले बिस्किट वगैरह अवश्य ही खिलाएं, ठीक है। ये 16 दिन दोस्तों कोशिश करें किचन में जूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि जब भी पितृ आपके घर में आते हैं रात को तो अवश्य ही वो एक चक्कर लगाते हैं और यदि आपके किचन में जूठे बर्तन पड़े होते हैं तो वो आपको श्राप देते हैं। इन 16 दिनों में दोस्तों आप लोग कोशिश करें दरवाजे में जहां पर भी आपका एंट्रेंस है उसके सामने कभी भी बेड डाल करके ना सोएं, कभी भी बिछोना घर के सामने ना डालें, क्योंकि हर दरवाजे में स्पेशली जो आपका मेन दरवाजा है वहां से पितृ एंटर होते हैं, किचन तक जाते हैं, पूरे घर में घूमते हैं, तो घर के किसी भी दरवाजे के आगे आप अपना बेड बिल्कुल भी ना डालें, रास्ता बिल्कुल खुला रखें ताकि आपके पितृ आसानी से आपके घर में आ सके बाहर जा सके, ठीक है। और दोस्तों कोशिश करें इन तमाम दिनों में आप थोड़ी सी खीर छत पर रखें और जल रखें। दोस्तों यदि आपने पूनम से अमावस्या तक एवरीडे इस क्रिया को कर लिया तो समझिए आपके आपका लंबे समय से रुका हुआ काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो छोटे छोटे सी क्रियाएं हैं इस पितृ पक्ष में दोस्तों अवश्य ही करें, करते रहें, खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।